हेलो डेवलपर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर इस नए साल में आप लोग का जो भी प्लान है, आप लोग का जो भी करना चाहते हो, आप लोग मेरे ऊपर वाले से यही दुआ है कि उस पर आप अच्छे से खड़े उतरो और कदम कदम पर आपको सक्सेस मिले, ठीक है। और इस नए साल में मेरे तरफ़ से आप लोगों को, जो भी मेरे डेवलपर्स हैं और पेड यूज़र्स हैं, उन सभी को मेरे तरफ़ से ये गिफ्ट है जो अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो ये है कि गैंगस्टर बेबी, इससे पहले हम लोग लेके आए थे उसका रिनेमर बॉट, जो कि यूज़र फ्रेंडली बॉट तो था मगर वो एडमिन फ्रेंडली नहीं था। फ़िलहाल अभी जो हम लोग उसको अपग्रेड किए हैं और उसमें कुछ कुछ नया फीचर्स अपडेट किए हैं, इससे क्या होगा कि ये बॉट अभी फ़िलहाल के लिए तो एडमिन फ्रेंडली हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एडमिन को पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस बॉट को यूज़ करते हुए। तो आइए बिना टाइम के वीडियो को करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, घंटा वाला बटन दबाना मत भूलना। फ़िलहाल हम लोग बॉट का फीचर्स देखते हैं। फ़ीचर्स क्या है? सबसे पहले तो स्टार्ट वाला फ़ीचर है, वो सारे बॉट में होती है। स्टार्ट हो जाओ। अब देखो, ये स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि अभी हम लोग पहले जो भी बॉट था उसमें जो मेरा यूज़र था, फ्री यूज़र्स, वो कितना सारा भी फाइल रिनेम कर लेता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अभी इसमें बॉट में जो है टेम्पररी, मतलब टेम्पररी बोलते हैं, एज डिफॉल्ट इसमें रिनेमर कैपेसिटी जो है, बोल सकते हैं रिनेमिंग का कैपेसिटी, जो बंदा रिनेम कर सकता है एक दिन में, कितना साइज रिनेम कर सकता है, वो ये है कि अभी लिमिटेड है 1.2 GB, बस इतना सा ही डेटा वो एक दिन में रिनेम कर सकता है। जैसे कि ये था। उसके बाद फिर ना अभी हम लोग क्या करते हैं, जो एडवांस फीचर इसमें ऐड हुआ है वो है सीज पावर। अभी देखो सीज पावर में क्या होता है, अभी सीज पावर बस सिंपल से हम टाइप करके बता देते हैं आपको। अभी सीज पावर जैसे ही आप टैप करोगे तो ये देखो, लिमिट 500 MB, लिमिट 100 MB और सीज ऑल पावर। अभी देखो इसमें क्या होता है कि लिमिट 500 MB अगर आप देते हो किसी भी यूज़र को सीज पावर मोड में, सीज पावर लिख के उसके बगल में उसका आईडी, अभी बताऊंगा मैं कैसे ऐड करना है सीज पावर, किसी का पावर कैसे सीज करना है। तो अभी जिस बटन पे आप क्लिक करोगे लिमिट 500 वाले पे, तो वो यूज़र एक दिन का सिर्फ 500 MB ही रिनेम कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। अगर वो करना चाहेगा तो उसके पास एक मैसेज आएगा प्लान को अपग्रेड करने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्माइल तो कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार भी दिखा दो। ठीक है, और फिर देखो लिमिट 100 MB कर दोगे तो वो एक दिन का 100 MB लिमिट यूज़ कर पाएगा, और सीज ऑल पावर अगर कर लोगे तो वो उसका कैपेसिटी हो जाएगा 0 MB पर डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब कि वो सिर्फ एक होता है ना, रसगुल्ला दिखा दो मगर खिलाओ मत, समझे, तो वो उस टाइप का वो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सीज पावर में इसका बात कर लिया। उसके बाद क्या है कि हम लोग अगर चाहे तो किसी बंदे का अगर पावर सीज कर लिया, अगर एक ऑप्शन और होना चाहिए क्या कि उसको पावर को रीसेट करने का, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग रीसेट पावर पे भी काम किए हैं कि अगर गलती से किसी को हम लोग कर देते हैं तो फिलहाल उसका पावर रीसेट भी कर सकते हैं। अभी देखो जैसे आप रीसेट पावर लिखोगे तो रिनेमिंग कैपेसिटी जो है उसका वापस से रीसेट हो जाएगा 1.2 GB का। अभी देखो फुल मैसेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डू यू रियली वांट टू रीसेट डेली लिमिट टू डिफ़ॉल्ट डेटा लिमिट 1.2 GB। देखो जिस भी यूज़र का आप यहाँ रीसेट पावर के बाद जिस भी यूज़र का आईडी दोगे उसके ऊपर जो है ये लागू हो जाएगा 1.2 GB का। सपोज़ किसी का पावर आप सीज कर ली, फॉर एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं सीज पावर। अभी देखो वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि ये सोर्स कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से क्या ये कहीं मिलेगा ही नहीं, ये मेरा खुद का पर्सनल है ये जो अपग्रेड किया हुआ प्लान, तो मेरे ख्याल से ये आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा, तो इसलिए आप अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो हम सीज पावर, ये मेरी दूसरी आईडी है, हम इसका पावर सीज कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे ही इसका पावर सीज पे क्लिक होगा तो इस टाइप, मतलब अभी तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब अभी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, 500 MB इसको दे देते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, अकाउंट डाउनग्रेडेड, द यूज़र कैन ओनली यूज़ 100 MB पर डे फ्रॉम डेटा कोटा। शायद 100 MB वाला हो गया या 500 MB वाला हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, ठीक है। सीज पावर, उसके बाद फिर है रिसीट पावर। अभी देखो रिसेट पावर में, और इस आईडी को कोई सा भी, जब जैसे ही आप कमांड यूज़ करोगे उसमें आपको ये आईडी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आईडी नहीं दोगे तो सिर्फ वो मैसेज आएगा लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बिना आईडी का। तो रिसेट पावर पे जैसे हम लोग अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो आईडी आ गया ना, तो
तो आईडी आने के बाद अभी सिंपल से जैसे हम इसको सेंड करेंगे, तो अभी देखो यस सेट एस डिफ़ॉल्ट कर देंगे इसको, और फिर कैंसिल करेंगे तो ये मैसेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यस सेट एस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अभी देखो जैसे ही सेट एस डिफ़ॉल्ट किए तो अभी देखो यहाँ पर मैसेज आ गया, डेली डेटा लिमिट हैज़ बीन रिसेट सक्सेसफुली, दिस अकाउंट हैज़ डिफ़ॉल्ट 1.2 GB रिमेनिंग रिनेमिंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी देखो ये रिसेट पावर का हम लोग बात कर लिए। अभी देखो नेक्स्ट कमांड क्या है, क्या बस अभी एडवांस लेवल पर जो भी है तो वो बस इतना सही था, क्योंकि सीज़ ऑल पावर यहाँ से तो हो ही गया, और फिर उसका पावर भी हम लोग रिसेट कर दिए। अभी जो भी यूज़र है आपका बॉट को यूज़ कर रहा है, अभी हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी देखो प्रीमियम पे भी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, कैसे भी यूज़र को हम लोग प्लान कैसे दे सकते हैं, उसको बेच कैसे सकते हैं, ठीक है, अपना बॉट को पैसे कैसे कमा सकते हैं, इससे ये भी अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अभी देखो हम लोग लेजी यूज़र्स का एक कमांड है, LAZY USERS, ठीक है। तो लेजी यूज़र्स आप जैसे ही टाइप करोगे तो ये देखो जितनी भी आईडी, मतलब जितने भी बंदे आपके बॉट यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आप सिंपल सा किसी भी आईडी को जस्ट यहाँ से कॉपी ऐसे करके उसका जो भी प्लान अपग्रेड करना चाहते हो, फिर या फिर उसको डाउनग्रेड करना चाहते हो, उसका पावर सीज करना चाहते हो, उसका पावर रिसेट करना चाहते हो, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मेरी जहाँ तक कोशिश रही है कि ये एडमिन फ्रेंडली बॉट हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग को सेटिस्फाई मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर से कुछ एक लकी यूज़र को हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट, किसी को क्या, जिसको सेलेक्ट किए थे उसी को रहने देते हैं। अभी हम लोग इसको प्रीमियम मेम्बरशिप देते हैं, ठीक है, एड ऐड प्रीमियम, उसके बाद उस यूज़र आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जिसका भी आईडी है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई, अगर प्रीमियम मेंबरशिप गया है आपके पास तो एक बार ज़रूर मैसेज करना मुझे, सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। अब देखो ऐड प्रीमियम इसको कर रहे हैं, ठीक है, और अभी देखो यहाँ से इसको डायमंड पे देते हैं, एक अगर लकी यूज़र है तो डायमंड पे ही देंगे। देखो जैसे ही डायमंड पे हम क्लिक किए तो इसके पास चला गया 1 डे का 100 GB रिनेमिंग कैपेसिटी इसके पास चला गया। अब ये जो भी यूज़र है इसके पास भी एक मैसेज गिर गया होगा, अगर ये अभी तक इस बॉट को स्टार्ट किए हुए है तो इसके पास भी मैसेज सेम मैसेज गया होगा, जो कि उसके पास उसका प्लान डायमंड अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये था इसका, ये अभी एडमिन फ्रेंडली फीचर्स था, ठीक है। अभी इतना सारा कमांड्स जो था वो एडमिन फ्रेंडली था, ठीक। अभी देखो यूज़र कमांड्स क्या क्या है, यूज़र कमांड्स के लिए हम लोग को यूज़र के इसमें जाना पड़ेगा। नॉर्मल सा जो भी यूज़र प्लान है तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है कि माय प्लान पे आप जैसे सर्च करोगे, यहाँ पे मेरा भी नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ इसका, तो इसलिए मेरा नहीं आएगा। इसको हम लोग उस पर वर्क करेंगे जिस पे दो यूज़र की कोई आईडी होगी उस पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग जो भी अदर्स इसमें है, मतलब अदर रिनेमर बॉट में जो पहले से फीचर है, जैसे कि सेट कैप्शन है, डिलीट कैप्शन है, उसके लिए DEL_ कैप्शन है, फिर व्यू थंप है, डिलीट थंप है, तो ये सब आप यहाँ से नॉर्मल बॉट जो भी यूज़र्स के लिए जो भी नॉर्मल पहले यूज़ करता था वो सब यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एक्स्ट्रा फीचर यूज़र्स के लिए है यहाँ पे माय प्लान, क्योंकि अगर उसका प्लान अपग्रेड होता है तो प्लान चेक करना और उसका कितना रिनेमिंग का कैपेसिटी बचा हुआ है वो भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। अभी देखो क्या कि हम लोग अभी सीज पावर जिसका किए थे इस आईडी का, ये मेरी दूसरी आईडी है, अभी इसका हम लोग प्लान पहले अपग्रेड कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। ऐड प्रीमियम, उसके बाद फिर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अभी इसको हम लोग सिल्वर का ही देंगे, मेरी आईडी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, देते हैं, थोड़ा नेट स्लो है, एक मिनट। तो इसको सिल्वर तो नहीं हुआ, लेकिन अगर गोल्ड किए तो गोल्ड हो गया है, क्योंकि सिल्वर ये पहले से था अभी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या, एडेड सक्सेसफुली टू प्रीमियम, अपलोड लिमिट 50 GB, जो गोल्ड पे टायर होगा उसका 50 GB होगा। अच्छा एक सेकंड, आपको मैं प्लान का भी दिखा देता हूँ कि प्लान कैसे कैसे है इसमें। अपग्रेड पे जैसे आप कमांड दोगे तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। फ्री प्लान यूज़र जो है वो 1.2 GB रिनेम कर सकता है, प्राइस जिसका 0 है, और फिर यहाँ पर देखो 10 GB है सिल्वर टायर का, जिसका प्राइस 66 है इंडियन रुपीज़ में, और डॉलर में 0.8 है। और यहाँ देखो गोल्ड टायर पर जो भी है उसका अपलोड लिमिट 50 GB है, और फिर जो डायमंड पे है उसका अपलोड लिमिट 100 GB है, ठीक है। यहाँ पर सारा ये है, प्लान मेथड है। अभी देखो क्या कि आप लोग यहाँ से इस सब को एडिट कर सकते हो, डेवलपर हो तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अभी सिंपल सा हम लोग क्या है कि जाते हैं अपने दूसरी आईडी पे जिसको अभी हम लोग अपग्रेड किए थे, और वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि प्लान कैसे आ रहा है। अभी देखो सिंपल सा यहाँ पर आ गए। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या, इससे पहले हम लोग अकाउंट को डाउनग्रेड किए थे ना, जब 500 MB हम लोग उसमें ऐड किए थे, तो यहाँ देखो अकाउंट डाउनग्रेडेड, ये तभी वाला मैसेज है जब हम लोग लिमिट किए थे, सीज पावर किए थे बंदे का। तो यहाँ पे देखो 500 पर डे का मैसेज आ गया है, यू कैन ओनली यूज़ 500। अभी देखो हम लोग क्या किए थे, ये इसको रिसेट भी किए थे,
जब इसका पावर रिसेट कर रहे थे हम लोग, तो रिसेट हो गया और ये फिर 1.2 GB रिनेमिंग कैपेसिटी इसके पास आ गया था। ठीक है, अभी देखो क्या, अभी इसको हम लोग गोल्ड पे अपग्रेड किए तो ये देखो गोल्ड का भी मैसेज बंदे के पास चला गया है और अभी इसके पास सिर्फ गोल्ड का प्लान है। तो माई प्लान पे जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो गोल्ड का जो भी प्लान है रिनेमिंग का रिनेम, तो उसमें बचा हुआ है 50 GB इसका और डेली अपलोड लिमिट भी 50 GB है और फिर इसका प्लान एक्सपायर हो जाएगा इतना तारीख को। ठीक है, अभी देखो क्या होगा कि अभी हम लोग पहले इसको डाउनग्रेड करेंगे। डाउनग्रेड करने के बाद इसमें जो है जो भी जितना डेटा उसका लिमिट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 500 MB पर डे का लगाएं, अगर ये उससे ज़्यादा का यूज़ करेगा तो क्या होगा इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, तो हम इसको डाउनग्रेड करते हैं पहले। तो इसका प्लान को हम लोग डाउनग्रेड कर दिए हैं। ठीक है, अभी देखो इसका जो भी प्लान है ये 500 MB पर डे का है। तो अभी देखो सिंपल से क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको कोई सा भी फाइल भेजेंगे जो 500 MB से ऊपर का हो तो क्या होगा। अभी देखो कौन सा गया फाइल, इधर है कि नहीं, जैसे ये 1.15 GB का है, अभी इसको हम लोग इसको भेजने वाले हैं। ये देखो, अभी देखो ये अगर 500 MB से ज़्यादा होगा फाइल तो ये रिनेम नहीं करेगा। देखो 100% ऑफ डेली 500 डेटा कोटा एग्जॉस्टेड, फाइल साइज डिटेक्टेड 1.13 GB, यूज डेली लिमिट, यू हैव ओनली 500 MB लेफ्ट ऑन योर अकाउंट, इफ़ यू वॉन्ट टू रिनेम लार्ज फाइल अपग्रेड योर प्लान। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल एडमिन फ्रेंडली है, यूज़र्स फ्रेंडली बॉट तो बहुत सारे हैं लेकिन ये बॉट एडमिन फ्रेंडली है, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी देखो ये 500+ का था, अभी देखो सिंपल सा हम लोग एक 5.3 MB का फाइल है तो इसको भेजते हैं और ये रिनेमिंग के लिए ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है कि अभी हम लोग एडमिन पैनल पे जाके इसको रिनेम कर सकते हैं, यूज़र्स इसको रिनेम कर सकता है बेहतरीन तरीके से, अच्छे से वर्क करेगा उसके पास। लेकिन अगर एडमिन इसको फाइल रिनेम करना चाहे तो क्या होता है, एक मिनट हम लोग वो भी देख लेते हैं। अभी देखो ये हम लोग अभी एडमिन वाले आईडी पे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सा हम लोग किसी भी एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सैम्पल वीडियो है ना इस्माइल का, अभी ये हम लोग भेजने वाले हैं इसको गैंगस्टर बेबी को। और ये देखो अभी जो इसमें मैसेज पॉपअप हो रहा है, देखो क्या है मैसेज में, अभी एक्चुअली हम लोग एडमिन फ्रेंडली तो बॉट बना लिए हैं लेकिन अभी एडमिन इस बॉट को रिनेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम ये है, डेटा लिमिट जो हम लोग लगाए हैं वो डेटा लिमिट अभी एक्चुअली वर्क जो कर रहा है, वो जो भी आईडी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब पे डेटा लिमिट वर्क हो रहा है, इसीलिए हम लोग एडमिन को अभी रिनेम करने के लिए नहीं दिए हैं फीचर इसमें। जो भी आप एडमिन हो, ठीक है, तो जिस भी आईडी से आप डिप्लॉय कर रहे हो वहाँ पे, तो उस आईडी से आप इस बॉट को रिनेम नहीं कर पाओगे। बस आप इसको यूज़र्स को ये मैनेज कर पाओगे, जितना भी आपका जो भी यूज़र्स है जिस भी तरह का जो भी है, आप उन सभी को बस मैनेज कर पाओगे इस बॉट को अच्छी तरीके से एडमिन आईडी से, बस आप मैनेज कर सकते हो फिलहाल के लिए। इस पर भी वर्क हो रही है, बहुत जल्द एडमिन भी रिनेम कर पाएगा फाइल को। अभी सिंपल से क्या करना है आपको, इसमें जो भी मेथड है किस तरह से इस बॉट को एडमिन यूज़ कर सकता है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। अब सिंपल सा दो अकाउंट रखना, आप अपना टेलीग्राम का या फिर किसी का भी अकाउंट ले लेना, या मतलब जब डिप्लॉय करने वाले रहते हो तो जो भी वहाँ पे वैल्यूज़ देते हो एडमिन आईडी में, तो वो एडमिन आईडी आप किसी दूसरे अकाउंट का आप उसमें ऐड कर देना ताकि आप वहाँ से यूज़र सबको मैनेज कर सको। और रिनेम जो भी आपका मेन अकाउंट है रिनेम करने के लिए, तो आप रिनेम जो है आप दूसरे अकाउंट से करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा दो आईडी था तो आपको पहले भी दिखाए थे, जो ये वाली जो आईडी है जिसका मैं पावर सीज़ कर रहा था तभी से, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास दो आईडी है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये मेरा मेन आईडी है और ये मेरा अभी फ़िलहाल के लिए रिनेमिंग आईडी था। तो लेकिन अभी जो हम लोग बॉट को एडमिन इस आईडी को बनाएंगे, ठीक है, इस वाले आईडी को, और हम लोग रिनेम करेंगे इधर से, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो आईडी होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। सिंगल आईडी से अगर कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। और फिर अब मेरे पेड यूज़र्स और जो भी डेवलपर्स हैं तो उनके लिए अभी एक रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा कम मैसेज किया करो, मैसेज का भंडार पड़ा हुआ है भाई, और 3-4-5 दिन तक अभी हम थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे उतना, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोई बात नहीं, एज़ यूजुअली हम लोग फिर से वापस कम बैक करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग ना इसको डिप्लॉयमेंट पे बात करने वाले हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है, सही है। तो अभी हम लोग डिप्लॉय करने के लिए सीधा सा हम लोग कोएप पर जाते हैं, और कोएप से पहले हम लोग आएंगे अपने रेपो पे। अभी रेपो पे आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर तो अभी हम रेपो का नहीं दिखा रहे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसको फॉलो कर लेना है मेरी आईडी को, ताकि कोई सा भी हम कोई सा भी अगर अपग्रेड करते हैं या फिर कुछ देते हैं तो आप लोग को अच्छे से नोटिफाई हो जाए। तो आप सबसे पहले इसको फॉलो कर लेना यहाँ से। फॉलो करने के बाद क्या करना है कि आपको रेपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है।
अभी यहाँ पर देखो किसी ने तो ये भी कर लिया, उसको फॉर्क भी कर लिया अभी तक। वाह सही है भाई, तो आप लोग भी फॉलो करके रखो तो मैसेज मिलते रहेगा आप लोग को। अभी देखो गैंगस्टर बेबी रिनेमर V2, इसका आपको मिल जाएगा लिंक में, आपको सिंपल सा इस पर आ जाना है यहाँ पे। अभी यहाँ पर हम लोग रीडमी फाइल अपडेट नहीं किए हैं, और हो सकता है जब आप अभी देख रहे होगे तो यहाँ पर रीडमी फाइल आपको अपग्रेड किया हुआ मिल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको नहीं किए हैं अपग्रेड। और अभी देख सकते हो भाई, इसको इस रेपो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 99 कमिट्स विद इन 6 डेज में हुई है, तो बहुत हार्ड वर्क है भाई। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। शायद ही इतना कोई करता होगा। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं क्या कि आपको जो है यहाँ से या तो ये कोड का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है, यानी तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ऊपर जो है ना इस जगह पे, एक मिनट, आप यहाँ से इसको टैप करके, टैप जैसे ही करोगे आप ये वाला लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको जैसे कॉपी करोगे, ठीक है। अभी कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है कोएप के डैशबोर्ड पे। अभी कोएप के डैशबोर्ड पे आपको क्या करना है, क्या कि इधर से आते हैं, आने के बाद अब इसको डिप्लॉय करने का प्रोसेस आपको पता है पहले से कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको हम सेटिंग में बता देते हैं इनमें वेरिएबल्स क्या क्या ऐड करना है और इसमें कमांड्स क्या क्या देना है, ठीक है। सपोज़ पहले तो ये मेरा रेपो है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेपो हम चेंज कर दिए ऊपर से, और यहाँ पे देखो रन कमांड में जो भी है, ये देखो ओवरराइड है ना, रन कमांड में ओवरराइड पे आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है, और फिर रन कमांड में आपको टाइप करना है गनीकर्न ऐप इज टू ऐप एंड python3bot.py, इसको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे इसको टाइप कर देना है कमांड। आपको कमांड lazydeveloper.txt में मिल जाएगा आपको रेपो के अंदर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर नैनो और माइक्रो दो ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप नैनो को सेलेक्ट कर लेना। अगर सिंगल रेपो है आपका यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ तो आप उसको माइक्रो में भी सेलेक्ट रख सकते हो। अभी देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का बात कर लेते हैं हम लोग, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में क्या क्या लगेगा आपको। सबसे पहले तो आपको लगेगा यहाँ पर टोकन, आपको बॉट टोकन नहीं ऐड करना, आपको सिर्फ टोकन ऐड करना है। यहाँ पर देखो ये टोकन लिखा हुआ ना, ये टोकन ऐड करना है। फिर API ID यूज़ करना है और API हैश इसको डालना है, और फिर एडमिन जगह ये एडमिन ऐड करना है, और फिर DB URL नीचे देख लो, ये DB URL है, डेटाबेस URL, फिर डेटाबेस नेम, और फिर चैनल में आपको क्या करना है कि यूज़र नेम डालना है आपको चैनल का, ठीक है। यहाँ पर ID मत डाल देना, चैनल का यूज़र नेम डालना है, और फिर नीचे जो है लॉग चैनल, आप ये देखो लॉग चैनल है ना, आपको लॉग चैनल का कोई एक लॉग चैनल बनाना है और उसका एक ID डालना है, ठीक है। और फिर पोर्ट का बात करते हैं, आपको पोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, अगर पोर्ट नहीं दोगे तो डिप्लॉयमेंट अनहेल्दी आएगा, और पोर्ट में आपको 8080 ही ऐड करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पिक्चर्स का, स्टार्टअप पिक, जो भी हम लोग पिक बॉट स्टार्ट होते हैं के बाद जो पिक आता है वो, तो स्टार्टअप पिक के लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल ऐड करना है LazyPic LZY_pic। उसके बाद उसका टेलीग्राफ वाला यहाँ पर जो लिंक होगा इमेज का, आपको वो ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर सारा कुछ हो गया, अभी ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आओगे app.json फाइल में, आप जैसे जाओगे मेरे रेपो के अंदर, तो app.json में स्ट्रिंग API ID API हैश टोकन एडमिन DB URL जो भी है आप सारा कुछ यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर का ये सारा काम हो गया। अभी सिंपल सा अभी इसको डिप्लॉय करना है, और नीचे में भी देख लेना कि यहाँ पर जो पोर्ट है ना, अभी एक मिनट, यहाँ पे नहीं, इस जगह पर जो पोर्ट है वो भी 8080 किया हुआ है, ठीक है, एक्सपोज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। और सिंपल सा नीचे आने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है इधर, और जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो ये फिर पेंडिंग में भी है, फिर ये प्रोविजनिंग में आएगा। तो अभी हम ना थोड़ा देर के लिए इसको यहाँ पर पॉज कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब ये हेल्दी डिप्लॉयमेंट आ जाएगा उसके बाद फिर आपको दिखा दूंगा कि डिप्लॉयमेंट हेल्दी आता है या अनहेल्दी आता है, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि इससे बाद जो हम लोग वीडियो आने वाली है तो मैं बताऊंगा कि इस रेपो को आपको कैसे एडिट करना है, और इसमें लिमिट कैसे आप बढ़ा सकते हो, जैसे 1.2 GB डेली डेटा यूज़ कर सकता है यूज़र, आप उसको बढ़ा के 2 GB 3 GB 4 GB जितना करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। अगर हो सके तो मैं बता दूंगा कि एक्स्ट्रा फीचर्स आपको कैसे ऐड करना है, अगर कोई सा भी फीचर आपके मन में चल रहा है कि हाँ ये फीचर बॉट में होना चाहिए तो आप रिकमेंड करो मुझे, कमेंट बॉक्स में आके बोलो, या फिर प्राइवेट DM कर सकते हो, या फिर
लेजी डेवलपर के चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं सुनता हूँ, देखता तो मैसेज हूँ वहाँ पर ज़रूर सबका, लेकिन भले भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक को रिप्लाई करूँगा तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, भाई मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं मैसेज सबका देखूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर रिकमेंड करो मुझे, आप कोई सा भी फीचर ऐड करना चाहते हो तो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डिप्लॉय होने देते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम लोग वीडियो पॉज करते हैं। देख सकते हो डिप्लॉयमेंट आ गया है हेल्दी, और फिर अभी हम लोग इसको यहाँ से आके चेक कर लेते हैं। तो इधर आने के बाद सिंपल सा बैकस्लैश स्टार्ट, और ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सारा काम हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आप लोग को बता दिए हैं वो किस टॉपिक पे आएगा, तो रेडी रहना उसके लिए भी। और हो सकता है थोड़ा सा लेट हो सकता है वीडियो आने में, तो घबराना नहीं है, क्योंकि लेजी डेवलपर है तो थोड़ा सा लेजी तो बनना बनता है भाई। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।